गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम दशमलव भिन्न के टॉपिक को पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे शांत दशमलव के बारे में और अशांत दशमलव के बारे में, जिससे हमारे RRB के कुछ शिफ्टों में ये से प्रश्न पिछले वर्ष के परीक्षाओं में आई है। और ये शांत दशमलव बारे में पढ़ते हैं। शांत दशमलव को अवसानी दशमलव भी कहा जाता है, या इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। यानी शांत दशमलव कहे या अवसानी दशमलव या टर्मिनेटिंग, तीनों एक ही है। और ये अशांत दशमलव, अनवसानी दशमलव या आवर्ती दशमलव, तीनों एक होते हैं। अब इसमें दशमलव भिन्न, यानी ये जो है शांत और अशांत किसको बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ टर्म लेते हैं कि 100 है, इसमें हम 3 से भाग देते, तो 3 से 3 या 9, 10 में 9 या 1, 0, यहाँ पे 3, 3 या 9, 1, फिर पॉइंट, यहाँ 0, 3 या 9, यानी इस तरह से पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे आते रहे, यानी यहाँ 3.33 इस तरह से, यानी कभी डॉट 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 इस तरह से आते जाए, तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। यानी जिसका प्रसार जो है ये नहीं, इसका ये इसको 3.3, यानी रेकर्डिंग के टर्म में भी जो रहेगा उसको अशांत बोलते हैं। अशांत दशमलव या अनवसानी दशमलव या आवर्ती दशमलव, जो कि इसका दशमलव में के बाद अंक रिपीट होते रहते हैं। और शांत दशमलव जैसे कि हम लेते हैं कोई भी, यहाँ 10 है, इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 5 10, यानी कि ये आ रहा है, ये तो डायरेक्ट, ये अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3/10, यानी 10 और यहाँ पे हो गया 3, तो इससे 0. यहाँ 3, यानी कि ये फिक्स, यानी 0.3 पे ये हमारा पूरा पूरी कट रहा है, यानी कि ये शांत दशमलव, ये हो गया हमारा शांत और ये अशांत, ये अंतर। अब हमें देखना, इतना भाग कर के हमको नहीं लाना। अब यहाँ पे हम 2 और 5 का गेम करके इसको आसान से हम बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पे हम इसका विस्तार करेंगे, ऐसे यहाँ शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जैसे कोई भी रहा यहाँ पे 21/55, तो यहाँ पे हम इसको करना क्या है, इस तरह का रहेगा, पूछे शांत है या अशांत दशमलव, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले लाएंगे। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यदि 2 और 5 के फैक्टर में, केवल 2 और 5 के फैक्टर में है, तो वो शांत दशमलव होगा, अन्यथा इसके अलावा भी कोई अंक है उसमें तो वो अशांत दशमलव होगा। जैसे आते हैं हम क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग दशमलव। तो 1/32, 1/24, 1/96, यहाँ सब जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ। अब हमें देखना है यहाँ से कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है। तो 32 2 × 2 × 2, यानी 2 के टर्म में ही हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है। तो पीछे हम देखे थे कि 2 या 5 के टर्म में ही केवल हो, या 2 या केवल 5 के टर्म में, या 2 या 5 दोनों केवल हो, तो हम इसे को शांत दशमलव कहें। अब यहाँ हम देखते हैं 24 का, तो 2 × 4 × 8 × 3, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका इतना। अब 48 का, तो 2 × 4 × 8 × 16,
गुना 3। अब 96 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 96 का 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 और गुना 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस टर्म में भी यहाँ पे 3 आया हुआ है, यहाँ भी 3 आया हुआ है, यहाँ भी 3 है। यानी इस तीन ऑप्शन में हमारा तीन तीन आया हुआ है, हमें केवल 2 या 5 चाहिए तभी वो शांत दशमलव। शांत दशमलव होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 या 5, केवल 2 या 5। ये अंक रिपीट हो सकते हैं लेकिन 2 या 5 के अलावा कोई रहेगा तो वो अशांत दशमलव। इसलिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव, तो शांत दशमलव ऑप्शन ए 1/32। क्यों, तो इसमें केवल 2 है। हमें भाग देकर भी देख लीजिएगा, भाग देकर, लेकिन उससे आसान टर्म में ये निकल जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। अब इसमें से हम यहाँ से इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं 19 * 57 और 40 * 120। और यहाँ पे ये कटने वाला नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि संख्या शांत है, शांत यानी कि 2 या 5 से हमको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 40, 40 का कितना होगा प्राइम फैक्टर, 2 दुना 4 दुना 8 और गुना 5। यानी 2 या 5 केवल इसी में मिल रहा है, तो यही ऑप्शन ए। अब ये सब मैं चेक कर लेंगे, जैसे 150, तो 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, 75, 3, 25, 5 और 5। यानी इसका 5 × 5 × 3 और 2 आ रहा है। यानी कि ये सही है, ये सही, लेकिन इसमें 3 जो है अलग से आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। उसी तरह इसमें भी चेक कर लीजिएगा, 110 नहीं आएगा, ये भी नहीं है। ऑप्शन हमारा ए इज राइट आंसर, 7.5%। अगला क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव के लिए हमें वही 2 और 5 के बारे में। तो यहाँ से हमको इसको भिन्न को सबसे पहले सॉर्ट कर लेना, 9 * 5 = 45। शांत पूछ रहा है, एक ही टाइप पहला है, बाकी सब में आ रहा है 3 × 3 × 5। जैसे ही 3 आ गया ये नहीं। और यहाँ पे एक चीज और देखना है, 2 * 3 = 6 = 15 * 3 = 45। यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ला करके हमको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5, यानी 3 आ रहा है नहीं, 4 * 3 = 12 = 15 * 3 = 45। यानी 3 × 5 ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन दोनों कट गया। 3 और ये 15, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5, यानी 3 आ रहा है, ये भी ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये सब जो है RRB ग्रुप डी 24/9/2008 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन। करा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव होगा। अवसान दशमलव यानी कि अवसान दशमलव मतलब क्या पढ़े थे हम, कि शांत हो। तो शांत के लिए हम यहां से देखते हैं 12 * 6 = 72 और इसमें 2 × 3 आ रहा है, 3 जैसे ही आ रहा है ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ से 6 × 12 यानी इसमें आ रहा है 3 × 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से ये 3 आ रहा है इसलिए ये कैंसिल। यहाँ से 3 * 24 = 72 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3। जैसे ही 3 आया ये ऑप्शन हमारा कैंसिल, ये 9 * 8 = 72, 2 × 2 = 4 × 8। और इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी 2 के अलावा कोई अंक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका शांत दशमलव। अब आते हैं अगला क्वेश्चन।
है निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। तो आवर्ती दशमलव किसको बोलते हैं, यानी कि आवर्ती दशमलव या अशांत दशमलव, अशांत दशमलव में नहीं आएगा। यानी इसका क्वेश्चन है ग्रुप डी 20/9/2018 पूछा गया है शिफ्ट वन का, और यहाँ आवर्ती दशमलव यानी कि अशांत, आवर्ती का मतलब अशांत, और अशांत जैसे ही है यानी कि इसका टोटली कहने का मतलब नहीं आएगा, यानी कि अशांत नहीं आएगा तो शांत आएगा, तो शांत यहाँ से चेक करना, यहाँ से हम 10 × 20 28 × 56 और यहाँ से 14 × 28 और 5 × 10। यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 7 7 आ रहा है, इसलिए पहला गलत। यहाँ से इसका प्राइम फैक्टराइज 25 और 56 ये अब नहीं कटेगा, इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 2 × 2 और × 8 2 × 4 = 8 और ये यहाँ पे ये 7, 2 के अलावा 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगला है 10 और 56, तो 5 × 2 = 28, फिर यहाँ से 2 × 4 = 7, जैसे ही 7 आए ये भी कैंसिल, ऑप्शन डी चेक करना है, 3 × 7 = 21 और 8 × 7 = 56, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2, तो यहाँ से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से केवल 2 के टर्म में, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, आवर्ती दशमलव यानी कि अशांत दशमलव का उदाहरण, आवर्ती दशमलव मतलब अशांत दशमलव का उदाहरण, यानी कि डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा भी होगा, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ कोई संख्या होगी। यहां से देख लेते हैं, पहले शॉर्ट फॉर्म में बदलना है, शॉर्ट फॉर्म में चेंज करके यानी यहां से 4 × 6 = 24, 10 × 5 = 10 और 2 × 4 आवर्ती दशमलव यानी अशांत में, ये तो हमारा शांत हो गया, ये नहीं होगा, 24/90 यानी कि 4 × 6 = 90, 4 × 6 = 24 और 15 × 6 = 90 यानी इसको हम करेंगे तो 3 × 5 आवर्ती दशमलव, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 3 आई है ये अशांत होगा। अब बाकी चेक कर सकते हैं, 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30, ये 5 आ रहा है ये शांत, 24 × 24 = 25, ये भी हमारा शांत होगा, अशांत कौन है तो ये ऑप्शन बी। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण भिन्न को, कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं हो, यानी शांत नहीं होगा यानी अशांत, तो अशांत चेक करेंगे इसमें हम, यहाँ पे यहाँ जैसे पहला ऑप्शन हम इसको चेक करते हैं 27 है और यहाँ पे 480, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या अवर शांत दशमलव में प्राप्त नहीं है, शांत हमको चेक करना है, तो यहाँ से हम चलते हैं, इसको अगर हम करते हैं ये 0 से 0 कट गया, तो 8 × 24 और ये 15 × 45 अब नहीं कटेगा, ये 3 × 5 यानी जैसे ही हमारा ये 3 आ रहा है तो शांत दशमलव में नहीं यानी अशांत, ये अशांत ऑप्शन डी, बाकी सारा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन कोई भी शांत नहीं, शांत आएगा सब और इसका है जो अशांत। अगला क्वेश्चन, में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव, तो शांत दशमलव होगी यानी पहले इसको हम 9 से 16 यानी 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 16 यानी केवल
ऑप्शन डी। बाकी सब में अगर चेक करेंगे तो बार बार है 84 यानी 12, डिनोमिनेटर 2 × 2 × 3। ऑप्शन यहाँ 3 आ रहा है, 2 और 5 के अलावे, इसलिए ऑप्शन ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा गलत है। उसी तरह से ये सब भी चेक कर सकते हैं, किसी में नहीं है। अगला शांत दशमलव प्रसार, तो इसमें इससे शांत दशमलव प्रसार ये 3 है, ये पहले ही कैंसिल, इसमें भी 2 × 3 आया, 3 आया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1/11 ही तो कैंसिल है। और यहाँ देख रहे हैं 5 × 5, ऑप्शन बी। और पूछा हुआ है RRB NTPC 17 2017 शिफ्ट 2 में, तो जिनका भी NTPC एग्जाम नहीं हुआ है देख लें, हो सकता है आपके शिफ्ट में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, आवर्ती दशमलव या अशांत? तो अशांत के लिए क्या करें, यहाँ से हम 7 * 21 = 10 * 23 यानी 3 × 10 = 30 यानी 2 × 5। क्वेश्चन मिस्टेक से गायब हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? तो शांत दशमलव में प्राप्त होने के लिए हमें क्या चाहिए, शांत दशमलव यानी कि हमको ये यहाँ देखना है 3 = 12, यहाँ 2 × 2 × 3, जैसे ही 3 आया ये अशांत हो गया, आपको शांत पूछ रहा है, यहाँ 12 * 3 = 36, इसमें भी 3 आया ये भी कैंसिल, 9 * 4 = 36 यानी इसको करेंगे 2 × 2, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इसको करेंगे 6 * 36 यानी 2 × 3 आ रहा है, तो जैसे ही 3 आया ये हमारा अशांत हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा था शांत दशमलव, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, आवर्ती दशमलव नहीं देंगे यानी कि जिसका शांत हो, तो शांत किसका होगा, यहाँ से हमको निकालना 8 * 7 = 56 यानी 7 है, ये तो आवर्ती दशमलव देगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 * 3 * 6 = 28 * 56 यानी 2 × 2 × 7, ये इसमें भी 7 आ रहा है, ये आवर्ती दशमलव देगा, 7 * 56 यानी 2 × 2 × 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 केवल आ रहा है यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ भी चेक कर लेंगे 2, यहाँ 28 * 2 = 14, 2 × 2 = 7 यानी यहाँ भी 7, ऑप्शन सी गलत। और यहाँ आ रहा है RRBLP एंड टेक्नीशियन जो एग्जाम 9/8/2018 को शिफ्ट 3 में भी पूछा गया ये सवाल। तो ऐसे ही सवालों के लिए देखते रहिए शंकर कंपिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल, और इसका ऑफलाइन बैच जो कि फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक अभी चालू है, और ये नियर सरदानंद स्कूल बरबीघा शेखपुरा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।